बाल पर चर्चा करेंगे. It's hope, strength, faith, courage. ये चार वर्ड्स के थ्रू ही हम सीपी से जीत सकते हैं. बेसिकली सेरेब्रल पैल्सी हम सब लोग आज सुबह से देख रहे हैं, हम समझ भी गए होंगे कि होता क्या है. बेसिकली इट्स अफेक्ट्स बॉडी मूवमेंट्स एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन. जो बॉडी है हमारी मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है. अगर हम खाना चबाने के लिए मुंह चला रहे हैं, That is caused by damage to the motor central nerve centers of the developing brain and can occur during pregnancy, during child birth or birth up to age of 3. Now, CP child में basically हम क्या-क्या features देखेंगे? जिस child को CP है, उनकी oral health और हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उनको प्रॉब्लम हो कैसे रही है. आप सीबी साइड में सबसे पहले देखेंगे कि उनके माल ऑक्लूजन हो रहा है, मतलब दांत जो है प्रॉपर सेट नहीं हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े आगे पीछे हो रहे हैं. और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हमारे पेरिओरल स्ट्रक्चर्स के मसल्स हैं, जो माउथ की मसल्स हैं, वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है. और अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो यहीं से प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है. जब टेढ़े मेढ़े दांत है तो प्रॉपर ब्रश नहीं हो रहा है, और जब खाना फंस रहा है तो उसके साथ ही साथ सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ब्रक्सिज्म. सीपी साइड हम हमेशा अपना पीसते रहते हैं. इट इज कॉल्ड क्लेंचिंग ऑल्सो. बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि दांत हमारे घिस जाते हैं, और घिसने से फिर दांत के जो अंदर की नर्व्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, जिससे फिर उनको सेंसिटिविटी जैसे ठंडा पानी या चाय ये सब लगने लगती है, और वो फिर बच्चा हमारा और इरिटेट होने लगता है. डिलेड इरप्शंस. डिलेड इरप्शन मीन्स जो दांत समय से निकलने होते हैं वो समय से नहीं निकल के देर से निकलते हैं. नाउ पेरिओडोंटल इन्फेक्शन मीन्स गम्स की प्रॉब्लम, मसूड़े की प्रॉब्लम. ये सब का बस एक ही मेन कॉज है, खाना फंसना. और खाना इसलिए फंस रहा है कि प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पा रही, और प्रॉपर ब्रशिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारी मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है. एक और प्रॉब्लम है डिस्फेजिया, मींस डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग. जैसे शुरू में मैम ने बताया था कि टंग्स का जो ग्रोथ होती है वो एज वाइज होती है. पहले टंग्स आगे पीछे करती है, फिर लैटरल करती है, फिर आगे सारे तरफ करती है. तो सबसे बेस्ट क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि जिस एज ग्रुप में उसकी टंग्स मूवमेंट किस लेवल तक अफेक्टेड है. और ये सिर्फ डेवलप कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, स्पीच थेरेपिस्ट वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बताएंगे. ठीक होगा, टाइम लग सकता है पर ठीक होगा. लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं, जितनी जल्दी हम उस बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देंगे उतनी जल्दी ही हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद हो जाती है. जितना हम देर करेंगे उतना ही हमारे ओरल हाइजीन अफेक्टेड हो सकते हैं, हम अपने हेल्दी टूथ खो सकते हैं जिससे उनकी स्माइल हैम्पर हो सकती है, उनको दर्द हो सकता है, वो प्रॉपर खा नहीं सकते. सी सब कुछ मुंह से ही शुरुआत होती है. अगर हमारी ओरल हाइजीन नहीं अच्छी है, हम ठीक से खा नहीं रहे हैं, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी और सब भी जो हेल्थ डेवलप हो सकती थी वो सब इफेक्टेड शुरू हो जाएगी. तो है तो ओरल बहुत छोटी सी चीज, बस देखा जाए कि सब कुछ है. तो सबसे ज्यादा नेगलेक्ट यही होता है, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी यही है. अगर हम स्टार्टिंग से ही ओरल हाइजीन मेंटेन शुरू कर दें तो काफी हद तक आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है.
और सिर्फ इसका छोटा सा है अवेयरनेस, डे वन से ही हम बच्चों की ओरल हाइजीन मेंटेन शुरू करें। डेंटल केरीज, दांत में कीड़ा लगना, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और इसका भी बस वही कारण है, मुंह में खाना रह जाना। कोई भी अगर खाना 24 घंटे से ज्यादा मुंह में रह जाता है तो उसके बाद दांतों में सड़न शुरू हो जाती है और इस सड़न से बच सकते हैं सिर्फ प्रॉपर ब्रशिंग क्रॉसिंग से। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, जस्ट बिकॉज कि हमारे पेरिओरल मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बच्चों के मुंह से सलाइवा निकलता रहता है और इसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि सलाइवा कॉन्टिन्यूस मुंह में होने से फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ पे, अगेन उसको फिर वही दिक्कत है, इन्फेक्शन हुआ है, दर्द होगा, बच्चा और इरिटेट होगा, बच्चा आपको और कोऑर्डिनेट आपको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। जिंजिवाइटिस, दैट इज अ गम डिजीज, इरोजन, ट्रॉमेटिक, जस्ट बिकॉज की मसल कोऑर्डिनेट नहीं हो रही है, बच्चा आपका गलती से गिर गया, मुंह के बल गिर गया तो उसके दांत में चोट आ गई है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि बच्चा बैठाया था गिर गया, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि गिरने ना पाए, गिरने से सबसे ज्यादा फ्रंट टीथ में ही चोट आती है। नाउ inability to coordinate facial muscles also make it difficult to brush rinse and floss. Simple, एक normal brush करना, पुल्ला करना, floss करना is easy. But एक CP child के लिए थोड़ी सी problem है, चूंकि वो brush, क्योंकि उसकी muscles coordinate नहीं कर पा रही है, तो आप जब उसको brush कराने शुरू करेंगे हो सकता है वो आपको cooperate नहीं करे। But brush कराने से पहले आप उसका मूड जरूर देखिए कि वो किस मूड में है, जब भी उसकी ब्रशिंग हो उसके लिए अच्छा फीलिंग आए कि उसको मजा आए, जैसे कोई एक्टिविटीज हो रही हो। कोई जरूरी नहीं है कि सुबह उठते मैंने उसको सबसे पहले ब्रशिंग कराए, अगर उसका मूड उस समय ठीक नहीं है तो आप ब्रश बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन कराना है, लेकिन उससे उस चीज को, उससे नफरत ना हो, उसको उस चीज को एंजॉय करें, इस तरीके से ब्रश करें। और ब्रश भी कई तरीके के आ गए हैं, जैसे हमारे पास आ गया है पावर टूथब्रश, बैटरी ऑपरेटेड होता है, उसमें चलाना नहीं रहता है, बस सिंपल आप दांत और मसूड़े के ऊपर रख दीजिए वो ऑटोमेटिक घूमता रहता है। और पावर टूथब्रश इज इजीली अवेलेबल, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसमें म्यूजिक भी निकलते हैं तो बच्चा एंजॉय करेगा। कोई भी एक्टिविटी अगर करे और बच्चा अगर उसको एंजॉय करेगा तो एक दिन वो खुद ही उसको हैबिट में आ जाएगा, बट जिस दिन वो इरिटेट होने लगेगा उसे वो ब्रश नहीं करेगा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उसको ब्रश कैसे कराएं कि उसको उस चीज का मजा आए। और कोशिश यही करिए कि हर खाने के बाद एक बार ब्रश जरूर चला दीजिए ताकि जो भी खाना फंसा है वो निकल जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज से ही हम बहुत सी बड़ी सी बीमारी से बच सकते हैं। दांत में छोटा सा इन्फेक्शन होता है लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बड़ा एब्सेस, सिस्ट ये सब बना लेता है और उसके बाद फिर हम लोग को ट्रीटमेंट करने में भी इट्स नॉट एन इजी टास्क। फिर छोटे से काम के लिए हमको जनरल एनेस्थीसिया, लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स। दी मेन कॉज ये है हैविंग इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग डेंटल कैरीज एंड बैड ब्रश। 100 बार की एक बार खाना खाया है, सिंपल एंड सिंपल ब्रश करा दें, उसका खाना जितना निकल जाए उतना वो लीज सस्पेंड हो जाएगा कैरीज के लिए। आप उसको कुल्ला करा दीजिए, अब ओरल इरिगेटर आ गया है वो फोर्सफुली मुंह के अंदर की सफाई कर देता है। ये सब देखिए छोटे छोटे डिवाइस हैं, बेसिकली ये स्पेशल चाइल्ड के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, या छोटे स्पेशल चाइल्ड या फिर जो ओल्ड एज है जो नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे बस बेसिक होता ये है कि आपको अपने मुंह को साफ रखना है और उस बच्चे को सिखाना है। वो आप कैसे सिखा सकते हैं, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं। पेशेंट समटाइम्स सीपी चाइल्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स,
मतलब उसके मुंह में कुछ भी जाएगा वो वॉमिट कर देगा, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की मसल उसकी हाइपर एक्टिव है। इस हाइपर एक्टिविटी को भी हम कम कर सकते हैं जस्ट सर्टन एक्सरसाइज। धीरे धीरे उसकी हाइपर एक्टिविटी जब कम हो जाएगी तो इसका ये नॉजिया वॉमिटिंग खत्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चों को सीजर्स की मेडिसिन चलती है जो बहुत शुगरी होती है, तो आप कोई भी मेडिसिन जब दीजिए, बेसिकली सिरप ही देते हैं, तो जब सिरप दीजिए उसके बाद भी आप एक बार ब्रश जरूर कराइए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपकी ओरल हाइजीन उस बच्चे की और बेटर हो सकती है। नाउ दिस इज आप ओरल केयर कैसे करेंगे। सब फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस एंड डेंटल फ्लॉस। ये पावर टूथब्रश है, बैटरी ऑपरेटेड होता है। अगर नॉर्मल टूथब्रश यूज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो पावर टूथब्रश भी आ गया है मार्केट में, आप उसको ऑन करिए, बैटरी से वो घूमता रहेगा। और बिल्कुल भी ये सॉफ्ट होता है, जब भी आप ब्रश लीजिए सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट आप ले सकते हैं उतना सॉफ्ट लीजिए। हार्ड टूथब्रश नुकसान करता है दांत को भी और गम्स को भी, और ये जनरल चीज है, ये सभी लोग इसी को अप्लाई करें। जब भी मार्केट से लें सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए उसके। कुछ टूथपेस्ट भी आ गए हैं, जैसे किसी को अगर सेंसिटिविटी है तो हम लोग फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट अप्लाई करवाते हैं जिससे उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, प्लस डेंटल कैरीज लगने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। बट फिर यही कहूँगा कि टूथ का बहुत रोल नहीं है टूथपेस्ट का। फर्स्ट इज बेसिक इज क्लीनिंग, और क्लीनिंग ओनली बाय ब्रशिंग, सिर्फ हाथ से मत करिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तब तो आप कॉटन लेके हाथ से करिए, नहीं तो बेस्ट है आपका टूथब्रश, क्योंकि हाथ उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाता जितने अच्छे से हमारा टूथब्रश करता है। कोशिश करिए बच्चा एक दिन टूथब्रश जरूर यूज करे। सी पहला, ओरल केयर शुड बी डन व्हेन द चाइल्ड इज नॉट टायर्ड और एंग्री। ये सबसे बड़ी बात है, बच्चे को ब्रशिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीज तभी करवाइए जब वो खुश हो। अगर वो थका हुआ है, मन नहीं है, तो मत कराइए। उसको उस चीज से नफरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक दिन का नहीं है, ये इसको लाइफ लॉन्ग करना है और खुद करना है। मेक टीथ क्लीनिंग सेशन इज अ फन एक्टिविटी विद वेरियस चाइल्ड फ्रेंडली गेम्स एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पहले भी मैंने कहा जैसे फन एक्टिविटी, कुछ भी एक एक्टिविटीज कराइए और बच्चों को देख के कराइए, खुद भी करिए। वीडियोज होते हैं, फनी वीडियोज होते हैं, उसको चला के दिखाइए। बच्चा चाइल्ड शुड एंजॉय दैट, उसको लगे कि ये भी एक एक्टिविटी है। जैसे आप और सब कुछ हम लोग एक्टिविटी के थ्रू ही सिखा रहे हैं, इसी तरीके से ये भी एक अच्छी हैबिट है जिससे वो सीख जाए। लास्ट ऑप्शन है कि इफ योर चाइल्ड रिफ्यूजेस टू यूज टूथब्रश कंसीडर अ कॉटन स्वैब। अगर वो ब्रश नहीं यूज करता है तो उसको ज़्यादा फोर्स मत करिए। उस समय आप नॉर्मल माउथ वॉशेस, वार्म स्लाइन गार्गल, नमक पानी का कुल्ला या कॉटन लेके ही उसके गम्स और दांत को साफ कर दीजिए। एंड स्टिल उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं क्लीनिंग नहीं हो रही है तो आप फिर स्पीच थेरेपिस्ट या डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। बट ओरल हाइजीन इज वेरी नेसेसरी, आपको ओरल हाइजीन अचीव करना है तो करना है। सिर्फ एक ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से ही आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN999 को सब्सक्राइब करें।